बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक सख्त निर्णय लेते हुए इंटर में नामांकन रद्द होने वाले परीक्षार्थियों की इंटर की प्रायोगिक परीक्षा में शामिल नहीं होने पर रोक लगा दी है। लगातार अनुपस्थित रहने के कारण शिक्षा विभाग की ओर से काफी संख्या में इंटर के परीक्षार्थियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। समिति की ओर से यह कहा गया है कि वैसे सभी विद्यार्थी जिनका नामांकन पंजी से नाम काट दिया गया है वो परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। उनका समिति के स्तर से निर्गत इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 2024 का प्रवेश पत्र कैंसिल कर दिया गया है। दरअसल प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल के केंद्रीय अधीक्षक एवं सभी प्लस टू स्तरीय शिक्षक संस्थान के प्रधान एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को समिति ने निर्देश जारी कर कहा है कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा जिनका नाम काट दिया गया है। जिनका नामांकन पंजी से नाम काट दिया गया है वे अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। इसको लेकर सभी स्कूलों को दिशा निर्देश पत्र भी भेज दिया गया है। साथ में हम आपको ये भी बता दें कि सभी शिक्षण संस्थानों के प्रधान अपने संस्थान के नामांकन रद्द किए गए विद्यार्थियों की सूची सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्रीय अधीक्षक को उपलब्ध कराएंगे। इस संबंध में समिति ने सभी विद्यालयों के प्रचार को पत्र जारी कर दिया है। समिति ने कहा है कि इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक सभी जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। वहीं इस परीक्षा के लिए 26 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। बताते चले कि शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए छात्रों को 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दिया गया है।